इन पांच कारणों से बिग बॉस नहीं जीत पाएंगी शिवानी कुमारी। इस हफ्ते बिग बॉस दिखाएंगे बाहर का रास्ता। शिवानी कुमारी के लिए अब बहुत मुश्किल हुआ बिग बॉस का सफर। ये पांच वजह बनी शिवानी के गले का फांस। अपनी इन हरकतों से शिवानी ने अपने फैंस को किया निराश। अब शिवानी पर भारी पड़ेंगी उन्हीं की गलतियां। बिग बॉस ओटीटी 3 का फिनाले पास आ रहा है और विजेता को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब हर किसी की नजर इसी बात पर अटकी है कि आखिर कौन इस वीकेंड के वार में बेघर होगा। रणवीर शौरी इस हफ्ते शो के हेड ऑफ द हाउस बन गए हैं और उन्होंने नॉमिनेशन से अरमान मलिक और नैजी को बचा लिया है। ऐसे में अब लव कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी पर बेघर होने की तलवार लटक रही है। इन तीनों में सबसे ज्यादा शिवानी कुमारी के आउट होने के चांस है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार शिवानी कुमारी की ये पांच बड़ी गलतियां उन्हें घर से बेघर कर देंगी और बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने का उनका ये सपना अधूरा रह सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि बिग बॉस ओटीटी 3 में अगर कोई कंटेस्टेंट अपने किस्मत के दम पर अभी तक शो में बचा है तो वो शिवानी कुमारी हैं, क्योंकि शो के दौरान वो सिर्फ दूसरों की नकल करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा शिवानी लोगों की बातें सुनती हैं और घर वालों को चुगली करती हैं। विशाल और लव को भया भया करने के अलावा शिवानी का कोई खास गेम में योगदान नजर नहीं आता और यही उनके गेम की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिग बॉस ओटीटी 3 के शुरू होते ही शिवानी कुमारी के सिर पर झूठी का टैग लग चुका है। जी हां, एक ये बड़ी वजह है क्योंकि वो हर बात पर झूठ बोलती नजर आती हैं। शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि वो अरमान मलिक के परिवार को नहीं जानती हैं, लेकिन फिर उनके सोशल मीडिया पर अरमान के परिवार के साथ कई वीडियो सामने आ गए थे, जिसके बाद से ही शिवानी पर झूठा बोलने का टैग लग चुका है और ये एक बहुत बड़ी वजह है शिवानी को बिग बॉस हराने की। अगले नंबर पर बात करेंगे कृतिका मलिक से लड़ाई की। जी हाँ, शिवानी कुमारी की हाइजीन को लेकर अभी कृतिका मलिक से भी उनकी लड़ाई हुई है। घर के अंदर शिवानी ही एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिल्कुल सफाई से नहीं रहती हैं। पहले उनके सिर से जुवे निकाले गए थे, अब उनको खुजली करते हुए खाना बनाते देखा गया है। कृतिका संग लड़ाई के बीच शिवानी ने चाकू तक हाथ में पकड़ लिया था। लव के कहने पर भी वो चाकू छोड़ नहीं रही थी। शिवानी कुमारी को सोशल मीडिया पर 4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं की वजह से वो अभी तक शो में बची हुई है, मगर विशाल पांडे को 11 मिलियन और लवकेश कटारिया के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके साथ उनके दोस्त एल्विश यादव का सपोर्ट है, जिसकी वजह से पूरी एल्विश टीम उन्हें सपोर्ट कर रही है। ऐसे में विशाल, लव और शिवानी में से शिवानी कुमारी के बाहर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो दोनों ही शिवानी से ज्यादा पॉपुलर हैं। वहीं बात करें शिवानी के पड़ोसियों की, तो शिवानी कुमारी ने जब से घर के अंदर कदम रखा है तभी से सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दर्शक ही नहीं बल्कि स्लेप्स तक सोशल मीडिया पर कई बार ये बात बोल चुके हैं कि शिवानी कुमारी की आवाज उनके कान में चुभती है। शिवानी कुमारी के पड़ोसी भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनकी एक पड़ोसन चाची का तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिसमें वो शिवानी से नफरत करने की बात कह रही हैं और ये वीडियो शिवानी की छवि पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है। दोस्तों, इस तरह से आपको क्या लगता है कि इस बार शिवानी बिग बॉस जीत पाएंगी या नहीं? ये पांच वजहें जो हमने आपको बताई, इनमें से आप किसे सही मानते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का खिताब कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर ये खिताब शिवानी को जीतना चाहिए तो कोई एक वजह जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।